अरे बोलिए बोलिए मामा, क्या बात है, कितने टाइम के बाद फोन किया आपने। अरे कितने टाइम के बाद क्या, कितने सालों के बाद फोन किया आपने। बोलिए बोलिए, आज अचानक भांजे की याद कैसे आ गई। हाँ कल हो गया, उद्घाटन हो गया। नहीं नहीं, नई दुकान नहीं है, वो हमारी पुरानी दुकान थी ना, उसी में रेनोवेशन करवा के फिर से खोली है। तो मुझे लगा बापूजी ने आपको आमंत्रण के लिए फोन किया होगा। नहीं नहीं, मैं बापूजी से पूछता हूँ, आपको आमंत्रण देना कैसे भूल गए। मैं किसको किस चीज का आमंत्रण देना भूल गया। बापूजी, रूपचंद मामा का फोन है। मामा एक दो मिनट, मैं आपको वापस फोन करता हूँ। रख दिया ना फोन। हाँ फोन तो रख दिया, लेकिन बापूजी रूपचंद मामा का नाम सुन के आप अचानक भागे क्यों। अरे वो रूपचंद मेरा साला नहीं है, सरदर्द है सरदर्द। जब से मेरी शादी हुई है मेरी कुंडली पे राहु की तरह मंडरा रहा है। अरे मेरे पूरे जीवन में उसने मुझे जितना परेशान किया है ना, उसका 5% भी किसी और ने परेशान नहीं किया है। अरे मुझे परेशान करने के किस्से और कारनामे पे तो रूपचंद पे पूरी किताब लिखी जा सकती है। अरे बाप रे, ये रूपचंद मामा सुंदर जैसे हैं आज पता चला। हे भगवान, हमारे गड़ा खानदान पे क्या कोई श्राप लगा है कि पत्नियां श्रेष्ठ मिलेगी लेकिन साले एक नंबर के नंग मिलेंगे। लेकिन बापूजी, ये रूपचंद मामा से आप इतने परेशान हुए, आज तक आपने कभी बताया क्यों नहीं। बताता तो क्या कर लेता तू। नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। तो फिर छोड़ना भाई, सुबह सुबह उसका नाम मत ले। उसका नाम लेता हूँ तो मेरा पूरा दिन खराब जाता है। तुझे दुकान जाने में लेट नहीं हो रहा है, जाना दुकान जाना। नहीं नहीं, लेट तो हो रहा है बापूजी, आज 10 बजे जलगांव से एक पार्टी आ रही है, उनके साथ मीटिंग है। तो जा जा। जी जी बापूजी, जय जिनेन्द्र। जय जिने। और सुन। हाँ बापूजी। ये बारिश का मौसम शुरू हो गया है तो छाता तो लेकर जा। अरे हाँ बापूजी, हाँ हाँ। ओ जल्दी जल्दी देख, गोली देख, ये बॉल पे तो क्लीन बोल्ड है। अरे तू देखना, ये बॉल पे सिक्सर है, सिक्सर। ए ए ए ए सिक्सर वाले, ए जरा प्लेट प्लेट खेला, ग्राउंड नहीं है। सॉरी सॉरी सिक्सर। कॉन्फिडेंस। चल बाबू जी, ले लिया छाता। तो मुझे क्या दिखा रहा है, जल्दी दुकान जा। हाँ सॉरी सॉरी। अरे धरती कंपनी है, बैठ आया है। हाँ वो देख। अरे ये बैट घर में कहाँ से आया? कहाँ से आया क्या, खिड़की से आया। टप्पू सेना नीचे खेल रही होगी, उनका होगा। मैं तो ये किस टाइप का क्रिकेट खेल रहे हैं लोग, बैट से बॉलिंग और बॉल से बैटिंग कर रहे हैं क्या। मुझे क्या मालूम। गोली क्या किया तूने? गोली क्या किया तू? रे गोलियां कैसे शॉ? डायरेक्ट बैट? क्या नाश! रे टप्पू सेना भी ना? सॉरी 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 दादाजी। किसी को लगा तो नहीं? और हैंडल मेरे हाथ में रह गया और बैट टूट के यहाँ पे आ गया। अरे तो खेलने से पहले चेक करना चाहिए ना बेटा, कि अगर हैंडल जरा भी ढीला लगे तो बैट सा नहीं खेलना चाहिए।
ढीला नहीं था, पता नहीं कैसे टूट गया। अरे देवा देवा देवा, किसको लगा? किसी को लगा तो नहीं ना? नहीं नहीं, बच गया भाई। नसीब नसीब। ये गोड़िया, मैंने बोला था ना आराम से खेलो, प्लेट प्लेट खेलो। नहीं लेकिन शॉट तो मारना ही है। वो तो अच्छा हुआ कि जेठा और चाचा जी इस तरफ थे, अगर डाइनिंग टेबल पे बैठ के नाश्ता कर रहे होते तो बैट वहां पे उड़ के आ जाता ना। तो सॉरी बेटा अंकल। हां चलो बोल ले, सॉरी शरारत करो और सॉरी बोलो। हां अरे एक मिनट भिड़े भाई, बैट मेरे घर में आया है ना। हां तो मेरा डांटने से पहले तू क्या डांट रहा है इनको? हां सॉरी सॉरी, डांटो डांटो और ऐसा डांटो कि जिंदगी भर याद रहे। कितनी बार संगीत ने कंपाउंड में मत खेला खेलो, कंपाउंड में खेल। भाई मुझे डांटने देगा क्या? नहीं हाँ डांटो डांटो। गोली, किसी को डांटने की जरूरत नहीं है। अरे पर बापूजी। अरे क्या बापूजी, बच्चों ने जानबूझ के थोड़ी बैट फेंका है। जानबूझ के नहीं फेंका है बापूजी, लेकिन भिड़े ने इसको बोला कि प्लेट प्लेट खेलो तो प्लेट प्लेट खेलना चाहिए ना, शॉट मारने की क्या जरूरत थी? नहीं तो हजर है भाई संगीत, लेकिन सुनना ही नहीं है। सोचा था टप्पू मध्य प्रदेश गया पढ़ने के लिए। आंध्र प्रदेश है? टप्पू आंध्र प्रदेश गया। हाँ हाँ तेज तेज, जिधर भी गया हो, लेकिन सोचा था कि वो यहाँ पे नहीं है तो जरा सोसाइटी में शांति होगी। पर सेना है इस बागे छड़ाएला। अरे भिंडी मास्टर बस अभी बच्चों को डांटना बंद करो। अरे बापूजी डांटने वाला काम किया तो डांटना तो पड़ेगा ही ना। बरोबर है बिल्ली मास्टर, बस आता गब्बर। अरे इसमें गोली की गलती नहीं है, उसे थोड़ी पता था कि वो ऐसे शॉट मारने जाएगा और बैट टूट के सीधा हमारे घर में आ जाएगा। आई स्वेर नहीं पता था। अरे वो पता है बेटा, वो नहीं ही पता होता है। और गोली की जगह अगर टप्पू होता, जेठिया तू होता या बिल्ली मास्टर तू होता तो भी जो होना होता वही होता। नहीं 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 चाचा जी, अगर गोले की जगह मैं होता ना तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि अगर कोई मुझे बोलता है ना कि शॉट मत मारो प्लेट प्लेट खेलो तो मैं उसकी सुनता, शॉट नहीं मारता प्लेट प्लेट ही खेलता। सॉरी कोई बात नहीं बच्चों, जो होना था सो हो गया। और वैसे भी कांच टूटना तो बहुत शुभ माना जाता है। अरे बापूजी ऐसा मत बोलिए, वरना कल से ये लोग रोज बैट फेंक फेंक के हमारी खिड़की के कांच तोड़ेंगे। कहाँ रोज बैट फेंक फेंक के कांच तोड़ेंगे, एक ही बैट था वो भी टूट गया। अरे अच्छा मतलब ज्यादा बैट होते तो रोज बैट फेंक फेंक के कांच तोड़ते। जेठिया अरे तेरी मीटिंग है ना, जाना दुकान जाना, तुझे लेट नहीं हो रहा? जा। लेट तो हो रहा है बापू जी, लेकिन अभी कैसे जा सकता हूँ, मैं सब साफ तो करना पड़ेगा ना। अरे तू उसकी चिंता मत कर, वो सब मैं साफ कर लूंगा, तू जा। नहीं नहीं दादाजी, हम लोग है ना, हम साफ कर देंगे। काई गरज नहीं है, कांच वर्ष लग जाएगा, मैं साफ कर दूंगा। और वैसे भी मुझे आदत है, बचपन से तुम लोगों ने इतने कांच तोड़े ना मेरे कि अगर मैंने वो जमा किए होते ना तो अब तक मेरा कांच का महल बन जाता। और वो कांच वाला है ना, भिड़े भाई का दोस्त बन गया है, अभी तो डिस्काउंट भी देता है। एक काम करो अब्दुल, वो कांच वाले की ना जेठा से पहचान करा दो। हाँ ओ, पहचान करा दो मतलब अभी क्या मेरे घर के कांच भी बार बार टूटने वाले हैं? ये बार बार कांच कैसे टूटेंगे, हमारा क्रिकेट खेलना ही बंद हो गया है, एक ही बैट था वो भी टूट गया। अल भाई ए जेठिया, अभी तू दुकान जा रहा है कि मैं जाऊं? नहीं नहीं मैं जा रहा हूं। भिड़े थैंक यू दोस्त। अरे कोई बात नहीं, नहीं जरा ठीक से साफ करना, क्या कोई कांच की कणी रह गई ना तो बापूजी को लग जाएगी, इसलिए ठीक है। चलो बापू जी मैं चलता हूँ, जय जिनेन्द्र। हाँ, बकाशोर बाजू रे। चलो बच्चों अभी तुम लोग भी जाओ, मैं साफ कर लूंगा, जाओ जाओ नीचे जाओ। हाँ।
सॉरी बाय बेड अंकल। चल चल। अच्छा अब्दुल एक काम करना, जरा एक ना सब बॉक्स लेके आना ताकि ये कांच के टुकड़े तुम लोग बॉक्स में जमा करेंगे तो किसी को लगेंगे नहीं। हां ओके हां लेके आ। चाचा जी मुझे जरा झाड़ू देंगे प्लीज? हां अभी जाके देता हूं। नहीं नहीं आप यहीं रुकिए, वहां पे बारीक बारीक टुकड़े कहीं लग ना जाए आपको। आप बताइए मैं लेके आता हूं। थैंक यू भिड़े। चाचा जी इसमें थैंक यू क्या? अगर मेरी जगह जेठा यहाँ पे होता तो आप उसको थैंक यू बोलते? नहीं ना, मैं भी तो आपके बेटे समान ही हूं ना। बैठ जाइए मेरे साथ। संभाल गया भिंडी मत। ओ, इतना सारा कस्टमर, वाह ये नजारा देखने के लिए तो आंखें तरस गई थी। थैंक यू भगवान, थैंक यू। अरे ओ भाई साहब आगे कहाँ जा रहे हो? पहले मेरा नंबर है। अरे अरे भाई साहब एक मिनट, इनको मत रोकिए, इनको आने दीजिए। क्यों वीआईपी कस्टमर है क्या? अरे नहीं नहीं ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक है, जेठालाल चंपकलाल गड़ा। ओह सॉरी 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 भाई साहब प्लीज। नहीं नहीं कोई कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। आइए आइए सर। और ये राहुल हमारा पुराना कस्टमर अभी अपनी बीवी को लेके आएगा और टीवी लेके जाएगा। वाह 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 बस बस भगवान करे ये कोरोना काल में हमें जो धंधे की कमी महसूस हुई है वो इसी तरह सरभर हो जाए। आइए आइए वेलकम वेलकम। हाँ सर, सर मैंने उनकी फाइल चेक की, उनके अकाउंट में बहुत सारी क्वेरीज हैं। सर मुझे लगता है उनके इस केस को स्क्रूटिनी में डालना ही पड़ेगा। ओके सर। आप इनकम टैक्स ऑफिसर हैं? जी हाँ। बाप रे, देखिए सर हमारे सेठ जी एकदम ईमानदार बिजनेसमैन हैं। आज तक उन्होंने कभी दो नंबर का काम नहीं किया और वो हर साल अपने रिटर्न टाइम टू टाइम भरते हैं। अगर आप चाहें तो उनकी सारी फाइल बेझिझक चेक कर सकते हैं। सेठ जी अपनी सारी फाइल आपको दिखाएंगे, है ना सेठ जी? अरे भाई साहब मैं यहाँ ऑफिशियल ड्यूटी पर नहीं आया हूँ, अपनी बेटी के लिए मोबाइल लेने आया हूँ। अरे वाह। हाँ तो बोलिए बोलिए सर, कौन सा मोबाइल लेना है आपको? ओरिजिनल तो है ना, मैं चार जगह गया किसी ने भी 24,000 से कम नहीं बताया। नहीं नहीं सर ये ओरिजिनल ही है। ओके आपने बोला ना कि आपको अपनी बेटी के लिए चाहिए तो मैं आपको भाव टू भाव दे रहा हूँ। अच्छा थैंक यू। नहीं नहीं उसमें इसी दे दे। हाँ ठीक है भागा। जी जी माँ। पेमेंट कैसे करेंगे सर आप? ऑनलाइन। हाँ ये देखिए। हाँ नहीं वो तो सिंह जी हो गया पेमेंट? हो गया हो गया। ये लीजिए सर और बिल इसमें ही रखा है। फिर से पधारिएगा सर। सेठ जी अच्छा हुआ दुकान का रिनोवेशन हुआ, लगता है दुकान के रिनोवेशन के बाद दुकान के ग्रह और अच्छे हो गए। कल ही उद्घाटन हुआ और आज तो कस्टमर की लाइन लग गई। अरे उद्घाटन किसने किया? बापू जी ने। और तुझे पता आज सुबह अच्छा शगुन भी हुआ। अच्छा क्या हुआ? घर में खिड़की का कांच टूट गया। कैसे? अरे वो टप्पू से ना कंपाउंड में वो क्रिकेट खेल रही थी। अच्छा अच्छा तो बॉल उड़ के आया होगा। नहीं नहीं बॉल नहीं बैट। बैट
कैसे? अरे क्या हुआ, वो गोली ने जोर से शॉट मारा ना, तो बैट का हैंडल उसके हाथ में रह गया और बैट उड़ के खिड़की का कांच तोड़ के घर में आ गया। अरे बाप रे, तो सेठ जी वो कांच या बैट आपको या बापूजी को किसी को लगा तो नहीं? नहीं, कुछ किसी को लगा नहीं, हम लोग इस तरफ, वो सोफा की तरफ से। आश? तो इसमें शगुन कैसा? अरे खिड़की का कांच टूटा ना, बापूजी कहते हैं कांच टूटना शगुन होता है। हाँ, बड़े सयाने भी यही कह कर गए हैं। हाँ तो, अरे बागा, अगर हमें बैट ने स्टंप ने बॉल ने सब नया अगर खरीदना हो तो मिल जाएगा ना? किसको चाहिए? मुझे। ओ, अच्छा है सेठ जी, ये बहुत अच्छा है। हर इंसान को जिंदगी में एक स्पोर्ट तो खेलना ही चाहिए। वैसे सेठ जी, वो कच्ची व्यापारियों की क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाली है, उसकी तैयारी के लिए चाहिए? नहीं, मुझे चाहिए मतलब मेरे लिए नहीं चाहिए। तो वो मैं अपनी तरफ से टप्पू सेना को गिफ्ट देना चाहता हूँ। अरे तो सेठ जी, पूरा क्रिकेट किट दीजिए ना। अरे पूरे किट में तो हेलमेट ने पैड ने ग्लव ने वो सब आता है। ये लोग तो टेनिस बॉल से कंपाउंड में खेलते हैं ना, तो उनको पैड वैड की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए तो हाफ किट ही लेके आ। हाफ किट? हाँ मतलब बैट बॉल ने स्टंप बस। हाँ लेकिन सुन, बैट दो लेके आना और एक थोड़ा वो छोटा हल्का वाला, मतलब वजन में हल्का वाला लेके आना। क्यों? ओ सोनू बेटे के लिए। तो प्लास्टिक का ले लो। अरे क्या प्लास्टिक बाघा, सोनू बेटी छोटी किकली थोड़ी है भाई। बराबर है। तो सेठ जी, मैं क्रिकेट किट लेने अभी जाऊं या बाद में? नहीं, अभी 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 जा। और सुन, वो किट लेके आएगा ना तो सीधा गोडाउन में आना, मैं गोडाउन में बैठा हूँ। सिद्ध जी, अगर आप अभी गोडाउन में चले जाएंगे तो फिर मगन यहाँ एकदम अकेला हो जाएगा, और अगर 3-4 कस्टमर एक साथ आ गए तो वो बेचारा हैंडल नहीं कर पाएगा। अरे हाँ, ये जब से नट्टू काका गए हैं ना तो रोज उनकी कमी महसूस होती है। बराबर है सेठ जी, नट्टू काका अगर आज यहाँ होते तो हमारी नई गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को देखकर बहुत खुश होते। हाँ। और फिर आपसे इंग्लिश में कहते, वेल डन माय बॉस, वेल डन। नट्टू काका और उनकी इंग्लिश बहुत याद आते हैं। अच्छा सेठ जी, तो मैं जाऊं? हाँ हाँ जी। अरे एक मिनट सुन, तो किट तो मैं अभी शाम को घर जाऊंगा तभी अपने साथ लेके जाऊंगा। तो ठीक है, एक काम कर, तू दोपहर के बाद लेके आना। ठीक है सेठ जी। वैसे सेठ जी, टप्पू सेना क्रिकेट किट देखकर एकदम खुश हो जाएंगे। नहीं, प्रेशर नहीं दे रहा हूं। शान। सोनू बेटा, चलो घर चलो। पापा बस ये लास्ट गेम है, इसके बाद चलते हैं। हां बेटा, लास्ट गेम। ठीक है, मैं यही रुका हूं, फिर साथ में चलते हैं। ओके। छोटा अंकल का फोन और डांटना भी बाकी है। तू एक काम कर, फोन उठा के तुरंत सॉरी बोल दे। ठीक है फिर, ठीक है फिर। सॉरी छोटा अंकल। सॉरी। क्यों, अभी क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर सॉरी क्यों बोल रहे हो? वो तो आज सुबह के बाद के लिए। अरे वो तो सुबह तो सॉरी बोल दिया ना बेटा। हाँ वो तो बहुत बार बोला। नहीं हाँ बस, तो फिर हो गई बात खत्म बेटा। हाँ मैं भिड़े अंकल थोड़ी हूँ जब मन में बात लेके बैठा रहा हूँ। जेठालाल, क्या बोला? तू टप्पू सेना के साथ क्या कर रहा है? सुबह से अभी तक बच्चों को डांट ही रहा है क्या? मैं डांट नहीं रहा हूँ, मैं सोनू को क्लब हाउस में लेने के लिए आया हूँ। तो अच्छा, आप लोग क्लब हाउस में हो? हाँ, हम लोग कैरम खेल रहे हैं। हाँ। गुगी? नहीं नहीं बेटा नहीं, ये उम्र में कैरम नहीं है बेटा, नहीं। जेठालाल, बच्चे कैरम खेल रहे, वो स्ट्राइकर सुमकी वाला कैरम, और इसी उम्र में खेलते ना बच्चे, खेलने दो ना बच्चों को। ठीक है, खेलो बच्चों, खेलो। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, तुम लोग क्लब हाउस में हो ना, तो उधर ही रहना, मैं अभी दुकान से निकल रहा हूँ, मुझे आप लोगों से थोड़ा काम है। क्या क्या काम है? तू टप्पू सेना का सदस्य है
तो तू क्यों पूछ रहे? तो घर जाना भाई। हाँ टप्पू सेना, आप लोग क्लब हाउस में रहो ना, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, ओके जेंडा अंकल, बाय 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 बाय। चल 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 निकाल भाई। वाह मजा आ गया, देखा ना आपने, खुशियाँ बांटने से किस तरह से बढ़ती है भाई। ये गोकुलधाम कमाल का गोकुलधाम है, यहाँ पे प्यार है, परिवार है, छोटी मोटी तकरार भी है, लेकिन ये मिनी हिंदुस्तान है। यहाँ पे ये मस्ती के और हंसी के फटाके ऐसे ही फूटते रहेंगे और ठाके कभी कम नहीं होंगे। बस आप देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। चलो बिड़ेंगल। क्या कब से चलो चलो कर रहे हैं? मैं कहीं नहीं जाने वाला। अरे अभी जेठा अंकल ने आपको घर जाने बोला ना, उन्होंने बोला है कि उनको टप्पू सेना से काम है, अभी वो आएंगे, आपको देखेंगे, फिर गुस्सा करेंगे। अरे नहीं, ऐसे कैसे गुस्सा करेगा तुम पे, मैं हूं ना। नहीं नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप पे गुस्सा करेंगे। अरे मुझ पे क्यों गुस्सा करेगा वो, और बिका घाबर तो गए चला ये उदय। समझ ही नहीं रहे। क्या बोला? नहीं नहीं, मैं कह रहा था कि जेठा अंकल कहाँ रह गए? अरे आ गया बेटा, आ गया मैं, आ गया। तू यहाँ क्या कर रहा है? बैठा हूँ। क्यों? देखा, बोला था ना। पर क्या मेरे यहाँ पे होने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेठा अंकल, आप प्लीज ये बताइए ना कि आपने हमें क्लब हाउस में रुकने को क्यों कहा? बेटा मैं आप लोगों के लिए मस्त सरप्राइज लेके आया हूँ, आंखें बंद कीजिए। सरप्राइज? क्या आंखें बंद करो, मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, क्या जादू से निकालोगे सरप्राइज? तो घर ही जाना रे। हाँ बेटा। नहीं मैं नहीं जाने वाला, मुझे भी देखना है सरप्राइज क्या है। हाँ तो आंखें बंद कर। करिए ना बिड़ंगल, करिए ना। काय बालिश पड़ा है तेज पे, तू जाना घर ही जाना रे भाव। ठीक है ठीक है, मैंने आंखें बंद, बच्चों आंखें बंद करो और देखो सरप्राइज। हाँ आंखें बंद ही रखना। अकेला उतरे चिटंगल कहाँ गए? अरे आंखें क्यों खोल दी आप लोगों ने? भीड़ अंकल ने बोला आप चले गए। अरे भीड़े भाई क्या कर रहे है तू यार, क्यों नड़ रहा है मुझे आज यार, पूरा सरप्राइज का पचका कर दिया तूने। सॉरी सॉरी सॉरी, बच्चो आंखें बंद करो। आता का है वो भी देख लिया वो तो। चलो कोई बात नहीं बच्चो, ये देखो तुम लोगों के लिए हाफ किट लेके आया हूँ। हाफ टिकट सुना था, हाफ किट क्या होता है जेठालाल? फुल किट में क्या वो सब आता है ना, पैड ने ग्लव ने इधर बांधने का ने। कर ला, कर ला, कर। इसमें हाफ किट में क्या खाली बैट है, बॉल है और स्टंप है। ये लोग क्या खाली टेनिस से खेलते हैं ना, तो पैड ग्लव उसका जरूरत नहीं होता है, इसके लिए हाफ किट लेके आया मैं। अरे खड़े क्या देखो तो सर भाई। ये क्या था, ये क्या धनुष बाण? नहीं नहीं नहीं, स्ट्रोक चेक कर दे भी एंगल। वाओ ब्रिलियंट स्ट्रोक। दो बैट और दूसरा वाला सोनू बेटी के लिए, तो थोड़ा वजन में हल्का है इसलिए सोनू बेटी के लिए लेके आया खास। ये वाला ये ले सोनू। वाओ सो थॉटफुल जेठा अंकल, थैंक यू सो मच। पसंद आया ना? अरे बहुत पसंद आया जेठा अंकल। वैसे एक बात माननी पड़ेगी जेठालाल, सुबह बच्चों ने तुम्हारा नुकसान किया लेकिन फिर भी तुम उनके लिए गिफ्ट लेके आए। अरे वो सुबह गोली ने बोला ना कि एक ही बैट था अभी टूट गया, अभी हम क्रिकेट नहीं खेल सकते,
हमने सोचा सोसाइटी में बच्चा क्रिकेट तो खेलने ही चाहिए। क्या थोड़ा शोर बकोर हो तो वातावरण थोड़ा ऐसे लीव लगता है ना, तो क्या सुमसान सोसाइटी अच्छा नहीं लगता है। हाँ बरोबर है। वैसे बच्चों चाचा जी ने सुबह सही कहा था, बिल्कुल कांच टूटना शुभ होता है। कितना शुभ हो गया तुम लोगों के लिए, देखो पूरी की पूरी हाफ किंड दे दी तुमने। चला सुनो चला निकला था। अरे एक मिनट थांबा थांबा जरा थांबा, एक और सरप्राइज है। एक और सरप्राइज कमाल है। आज चिठलाल बैठ रहे मंजा का है। करो करो आंखें बंद करो। चलो चलिए आंखें बंद। हाँ बंद बंद बंद। परत गेला। ए तुम्ही आके बघ तुला आके क्या खुशबू आ रही है। आ रही है ना खुशबू। हाँ तो खोलो खोलो। अरे मुंह नहीं आंख खोल बेटा। अरे गोली। अरे बेटा बैठ है बेटा नया बैठ। सॉरी 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 लेकिन पेस्ट्री है तो। भाई पकड़ना 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 निकालते हैं भाई आराम से। अच्छा वो ना ज्यादा लेके आया वरना भीड़ तुझे नहीं मिलता। अरे खाओ खाओ खाओ। अरे वाह चलो नई किट आ गई, पेस्ट्री पार्टी भी हो गई। हाँ सोनू आता घरी जा, मैं जेठांगल के जाके सोडा पी के आता हूँ। अरे भाई क्या सोडा पी के आते, अभी मेरा खाना खाना बाकी है। अरे अभी पेस्ट्री खाई तो सही। ये पेस्ट्री भी कोई खाना है भाई, क्या तू भी यार। हाँ पेस्ट्री नहीं रही पेस्ट्री आते जे असलते भाई। मैं काम करता हूँ, पहले खाना खा लेता हूँ फिर जाते हैं सोडा पीने। बाबा आप जाइए, मैं थोड़ी देर में ये किट रख के आती हूँ। ठीक है लेकिन जल्दी आना। हो बाबा हो। चला चल। यार कितनी मस्त है ना यार। यार फ्रेंड्स जेठा अंकल ने हमें कितनी प्यारी गिफ्ट दी ना, तो हमें भी उन्हें रिटर्न गिफ्ट देनी चाहिए। नहीं आइडिया, वो जेठा अंकल को मोबाइल गिफ्ट देते। जेठा अंकल की खुद की मोबाइल की दुकान है। अरे गोगी पैसे वाली गिफ्ट नहीं, कुछ ऐसी गिफ्ट देते हैं जिसे जेठा अंकल खुश हो जाए। सोचो सोचो फ्रेंड कुछ सोचो। आइडिया ब्रिलियंट आइडिया। सुनो गुड मॉर्निंग दादाजी। अरे आओ बच्चों। दादाजी जेठा अंकल कहाँ है? तैयार हो रहा है। जेठिया आज दो मिनट आया बापूजी। क्या हुआ? दादाजी अभी नहीं बुलाना था। क्यों? दादाजी हम जेठा अंकल के लिए सरप्राइज लाए हैं, हम बोले ना तब बुलाना था। जेठिया। हाँ आया आया बापूजी दो मिनट। हाँ बापूजी एक मिनट रुक एक मिनट। वापस जा। क्यों? मैं फिर से बुलाऊं ना तब बाहर आना। मतलब? मतलब मतलब कुछ नहीं, तू वापस अंदर जा, मैं बुलाऊं तभी बाहर। अरे लेकिन। अरे जा दरवाजा बंद कर दे। क्यों? क्या बोल रहा हूँ उतना करना, दरवाजा बंद कर दे। क्या चल रहा है आपके दिमाग में बापूजी? बंद।
सरप्राइज क्या है और क्यों है? मैं बताता हूँ। बस 2 मिनट दीजिए दादाजी। हाँ, 2 मिनट। जेठिया रेडी? किसके लिए? मैं बाहर आने के लिए। पर वो तो मैं पहले बाहर आया था तब भी रेडी था बापूजी। बोलो बापूजी। हाँ हाँ जेठिया आजा बाहर आजा। आश बादम बाबूलाइजा होशियार गड़ा राजवंश के महामहाराज श्री चंपकलाल जी जयंतीलाल गड़ा के पुत्र और राजकुमार टिपेंद्र जेठालाल गड़ा के पिताश्री यानी राजाओं के भी राजा महाराज श्री जेठालाल जी चंपकलाल जी पधार रहे ये सब क्या है? सरप्राइज। कल आपने हमें सरप्राइज दिया तो आज हमने सोचा हम आपको सरप्राइज देते हैं। वाह बहुत अच्छा सरप्राइज है बच्चा, बहुत अच्छा सरप्राइज है। नहीं नहीं जेठा अंकल ये सरप्राइज नहीं है। तो सरप्राइज तो अभी बाकी है। चलिए आगे बढ़िए महाराज। महाराज को आगे कहाँ लेके जा रहे हो? किचन में खाना बनाने? नहीं नहीं किचन नहीं। तो आप आइए तो सही। सुनो आइए पधारिए जेठा अंकल जी, आइए पधारिए जेठा अंकल जी, आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज है। आइए पधारिए जेठा अंकल जी, आइए पधारिए जेठा अंकल जी, डाइनिंग टेबल पे आपका स्वागत है। डाइनिंग टेबल पे आपका स्वागत है। आइए पधारिए जेठा अंकल जी, आ गए पधार गए जेठा अंकल जी। प्रभु से ना जलेबी फाफड़ा, मेरे पसंदीदा जलेबी फाफड़ा लेके आए आप लोग। ऑब्वियसली जेठा अंकल, कल आपने हमारी पसंदीदा चीज हमें गिफ्ट की तो हमने भी सोचा कि आपको रिटर्न गिफ्ट में आपकी पसंदीदा चीज दे। और आपके लिए जलेबी फाफड़ा से ज्यादा पसंदीदा चीज और क्या हो सकती है? Exactly. बस सुबह आप लोग रुलाओगे मुझे अभी। क्यों जेठा अंकल आपको गिफ्ट पसंद नहीं आई? अरे नहीं नहीं बेटा, बहुत मतलब बहुत ज्यादा पसंद आई। तो चलिए फिर शुरू हो जाते हैं। तो मतलब आप शुरू हो जाइए। अरे नहीं नहीं तू बराबर बोला बेटा, शुरू हो जाते हैं। सब साथ में नाश्ता करते हैं। हाँ आप लोग बैठिए, मैं 2 मिनट जरा सूरत दादा को जल अर्पण करके आता हूँ। ठीक है। ओम मित्राय नमो, रवये नमो, सूर्याय नमो, भानवे नमो, खगाय नमो, पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमो, मरीचय नमो, आदित्याय नमो, सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमो, भास्कराय नमः, आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। हा क्या खुशबू आ रही है। चलो चलो शुरू करते हैं। ऑब्वियसली नेक काम में बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। एक मिनट जेठा अंकल, पहले आप शुरू कीजिए फिर हम करें। नहीं नहीं एक काम करते हैं पप्पू जी, पहले आप शुरू कीजिए। अरे नहीं नहीं जेठा तू शुरू कर, सरप्राइज तेरे लिए थी। पप्पू जी आप वडील है। हाँ बरे बरे दादाजी,
पहले आप शुरू कीजिए ना। हाँ ना, पहले आप शुरू कीजिए। अरे ठीक है तो शुरू करना भाई। चलो ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, फ्रीज फ्रीज फ्रीज। मस्त मोमेंट है, मैं फोटो लेता हूँ। अरे वाह, प्लीज होल्ड 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 होल्ड। स्माइल, फैंटास्टिक, परफेक्ट। गोली एक हम सब का भी लेना, टप्पू को भेजेंगे तो उसे अच्छा लगेगा। ओके। अरे पिंकू, पिंकू थोड़ा अंदर आ, अंदर आ। सुनो, सोनू को फोन देना, सोनू वहां से एक फोटो लेना। हाँ उधर से मैं लेती। हाँ बराबर बराबर, हाँ वो उसमें नहीं आ रहा था पिंकू, बराबर। एक और यहाँ से भी लेना, गोगी के पास से। नहीं नहीं नहीं, अभी कोई फोटोज नहीं खींचेंगे प्लीज। अभी मुझे ये खाना है पहले, प्लीज खाते हैं ना। अभी खाते हैं, खाते हैं, बराबर बराबर। ये जलेबी वाकई में एकदम क्रिस्पी है। क्रिस्पी 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 दादाजी, मतलब कुरकुरी कुरकुरी। मैं भी सोचूं ये क्रिस्पी क्या है। थैंक यू टप्पू सेना, मजा आ गया। वेलकम जी अंकल, बाय बाय। थैंक यू बोले। बाय बाय। वाह 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 बापू जी, सुबह सुबह बच्चों ने अच्छे सरप्राइज दिए। मुझे मजा आया ना? बहुत बहुत मजा आया बापू जी, बहुत मजा आया। नहीं वाकई में कहना पड़ेगा क्या टप्पू सेना शरारती है, लेकिन लागणीशील भी बहुत है। वो तो है, वरना आजकल के बच्चों को ऐसा करने का सूझे ही नहीं। जेठे हम लोग बहुत नसीब वाले हैं कि हम लोग गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हैं। यहाँ के बड़े तो संस्कारी है ही, लेकिन बच्चे भी कितने संस्कारी है। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी बिल्कुल। आज दुकान लेट जाना है? नहीं नहीं, मैं बस अभी निकल ही रहा हूँ, तो थोड़ा साफ सुफ कर लो फिर निकलता हूँ। अरे नहीं नहीं, वो सब मैं कर लूंगा, तू जा। अरे बापू जी, मेरे होते हुए आप साफ सफाई कर अच्छा लगता है। अरे अभी 5 मिनट में कर दूंगा, हो जाएगा अभी। क्या हुआ, हंस क्यों रहे? नहीं ये अभी झाड़ू लगाता लगाता एक विचार दिमाग में आया। अभी थोड़ी देर पहले राजा महाराजा जैसा सम्मान मुझे मिला, और कुछ ही क्षण बाद ये अभी मैं झाड़ू लगा रहा हूँ। अरे यही तो जीवन की सच्चाई है जेठिया। हमारे जीवन में जब भी जैसे भी परिस्थिति आए, हमें उसे हंसते हुए स्वीकार करना चाहिए। वाह वाह बापू जी वाह, बिल्कुल सही बात कही है आपने। ये किसका फोन है? हेलो, हाँ गोली, हाँ ये फोन तेरा इधर ही है, डाइनिंग टेबल पे पड़ा है। हाँ आ जा आ जा, ले जा ले जा। हाँ बच्चे भी। जेठा अंकल, ये गोली ना आलसी ऊपर नहीं आएगा। सूर्य की किरणों के आगमन के साथ ही गोकुलधाम में हंसी मजाक का आगमन भी हो जाता है, और गोकुलधाम का दिन तो पूछिए मत, हंसी मजाक मस्ती शरारतें नोक झोंक चुहल सब एक साथ, और उन्हीं के बीच में बसा है गोकुलधाम का जीवन। और जीवन ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल निर्दोष, थोड़ी सी हंसी थोड़ी सी मजाक थोड़ी सी मस्ती, तो फिर जीवन की बात ही कुछ और है। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। जेठा अंकल,
का क्या है? फोन यहीं से दे दीजिए ना। अरे ऊपर आके ले जाना भाई। कौन इतना सीढ़ी चढ़ के ऊपर तक आएगा? आप यहीं से फेंक दीजिए ना, मैं कैच करता हूँ। अरे कैच छूट गया तो मोबाइल टूट जाएगा बेटा। बस क्या कैप्टन। हाय गुड मॉर्निंग जेठा जी। चलो गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग। हाय। क्या बात है, सुबह सुबह कहीं बाहर गए थे? हाँ एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड यूके जा रही है तो मैं उसे एयरपोर्ट पे सी ऑफ करने गई थी। यूके? ओ लंदन वाला यूके? जेठा जी वही यूके है और क्या है। नहीं हमारे भारत में भी एक यूके है ना। हा? उत्तराखंड। अच्छा ओके। आपके फ्रेंड को उधर यूके में कुछ मदद की जरूरत हो तो बता ना, मेरा बहुत सारे रिश्तेदार रहते हैं उधर लंदन में, लिस्टर में, सब जगह। अच्छा रियली? हाँ अरे बहुत ही एकदम सेवा भावी है। एक फोन करूंगा ना तो सब हाजिर हो जाएंगे मदद करने के लिए। ओके। मैं तो कहता हूँ एक बार हम भी जाते हैं घूमने यूके। हम मतलब आपका परिवार, मेरा परिवार, सब मिलकर जाएंगे, मजा आएगा। ओके। ये जेठिया को बार बार कौन फोन कर रहा है? आपको पता है बबीता जी, उधर लिस्टर में मेल्टन रोड करके है। हाँ। वो रोड पे आप जाएंगे ना आपको लगेगा ही ना इंग्लैंड में, ऐसा लगेगा भारत में। अच्छा। उधर साड़ियों की दुकान है, वो सोनियों की दुकान, फरसान की दुकान। फरसान की दुकान? अरे जबरदस्त फरसान मिलता है। और जलेबी फाफड़ा तो क्या मिलता है, जलेबी तो मतलब एकदम ऐसे क्रिस्पी होती है। क्रिस्पी जलेबी वो भी इंग्लैंड में मिलती है? अरे तो, और वो रोड पे वो लोग दिवाली मनाते हैं बबीता जी, जबरदस्त। उधर की म्युनिसिपैलिटी है ना, वो लोग परवानगी भी देते हैं दिवाली के दिन पूरा रोड बंद। अच्छा। तो रोड के ऊपर सब स्टॉल लगते हैं, बच्चों के सब खेलने का वो सब होता है, लाइटिंग होती है, फटाके फोड़ते, दूर दूर से लोग उधर की दिवाली देखने आते हैं। ओ जेठिया, हाँ ये ले, तेरा फोन कब से बज रहा है, कोई बार बार फोन कर रहा है। मैं चलती हूँ। ओके 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 ओके। अरे बोल बोल लखम सिंह। सॉरी सॉरी जेठालाल, सुबह सुबह फोन करके तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ। डिस्टर्ब? अरे तू कब से इतना औपचारिक हो गया भाई। बोल बोल कैसे याद किया? अरे खुशखबरी है, मैं खुद का घर ले रहा हूँ। अरे क्या बात कर रहे हैं लखम सिंह, वाह 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 बहुत बढ़िया। अरे बहुत खुशी हुई, अभिनंदन। थैंक यू जेठालाल। तुम तो जानते हो सालों से मैं भाड़े के घर में रह रहा हूँ, और काफी टाइम से मेरी इच्छा थी कि मैं भी खुद का घर ले लूं, और अभी अच्छे बजट में घर मिल रहा है। हाँ तो बस ले ही लेना भाई, ज्यादा सोचना ही मत कि लूं कि नहीं लूं, क्या करूं, ले ही लेना। नहीं नहीं लेना तो है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। ले क्या? वो क्या है ना, ये घर की ऑफर अचानक आई है। हाँ। और आज शाम को कुछ 6-6:30 बजे पार्टी को 5 लाख का टोकन देना है। हाँ तो मेरे पास पैसे तो है, लेकिन मार्केट में 3-4 जगह पर अटके हुए हैं। अच्छा। तो मैंने क्या किया, पार्टी को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को फोन करके मैंने पैसा मांगा, लेकिन जेठालाल क्या बताऊं, कहीं से भी 5 लाख की व्यवस्था नहीं हो पाई है। इसीलिए मैंने तुमको फोन किया है। क्या है, अगर 5 लाख तो नहीं, लेकिन तुमसे अगर 1-2 लाख की भी व्यवस्था हो जाए ना, तो क्या है ये पार्टी को मैं टोकन दे के डील को 4-5 दिन तक होल्ड पे रखवा सकता हूँ। 1-2 लाख? ठीक है जेठालाल, अगर नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। अरे लखम सिंह, मुझसे 1-2 लाख मांगते हो तो शर्म नहीं आती? सॉरी सॉरी जेठालाल। अरे क्या सॉरी, मुझे 5 लाख की जरूरत है और तुम तो मुझसे 1-2 लाख मांग रहा है। 5 लाख क्यों नहीं मांग रहा, मैं देता हूँ ना पूरा 5 लाख। क्या? अरे क्या क्या, तू टेंशन मत ले, मैं अभी दुकान जाते ही तेरे खाते में 5 लाख ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है? पक्का? हाँ पक्का। सच में? हाँ भाई। तो जेठालाल मैं पार्टी को बोल दूं कि मैं शाम को टोकन लेके आ रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बोल दे। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू सो मच। अरे क्या थैंक यू बोल रहे लखम सिंह, जरूरत पड़ने पर अगर दोस्त काम में ना आए तो वो दोस्त दोस्त कहलाने के लायक नहीं है। सही कहा जेठालाल, बिल्कुल सही कहा, तुमने तो मेरा बहुत बड़ा टेंशन हल्का कर दिया। और हाँ ये पैसे मैं तुम्हें 8-10 दिन में लौटा दूंगा। अरे भाई तो उसकी चिंता मत कर, तू मुझे अपने बैंक की डिटेल भेज तो मैं दुकान जाते ही पैसा ट्रांसफर कर देता हूँ। ठीक है? ठीक है जेठालाल, अभी भेजता हूँ। ओके चल।
किसका फोन था जी? क्या? ओ लखम सिंह का। लखम सिंह केशव काका का बेटा? अरे हाँ, क्या कह रहा था? वो अपने लिए नया घर खरीद रहा है। अरे वाह। हाँ, तो शाम को टोकन देने के लिए उसे 5 लाख की जरूरत है और उसके पास अभी जरा व्यवस्था नहीं है, तो पूछ रहा था कि क्या मैं उसे 5 लाख दे सकता हूँ क्या। तो मैंने बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर दूंगा। अरे वाह, मुसीबत के वक्त किसी को मदद करने से उसकी अंतर आत्मा से भी आशीर्वाद मिलते हैं ना, उससे बढ़कर दुनिया में और कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी, तूने उसकी मदद करके बहुत अच्छा किया। अरे बापूजी, ये सब आपके संस्कार है, आप ही से सब सीखा है। और वैसे भी केशव काका का ऋण हम कैसे भूल सकते हैं बापूजी? मैंने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नई शुरू की थी तब कितनी आर्थिक कटौती थी, तो केशव काका ही थे जिन्होंने मेरी मदद की थी। अभी ओ कैसे भूल सकते हैं? नहीं नहीं बराबर। तो मैं निकलूं बापूजी दुकान के लिए? जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। ये लीजिए सर, और आज शाम तक आपके यहाँ डिलीवरी हो जाएगी। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग बाघा। गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड न्यूज है, आज भी मस्त बोनी हुई है, 2 मोबाइल फोन और 1 वॉशिंग मशीन। ओह गुड मॉर्निंग के साथ साथ गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह अच्छी बोनी हो गई। सेठ जी मुझे आपसे एक बात करनी है। टेंशन वाली बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो बाद में करना, पहले मेरी बात सुन। नहीं पहले मेरी बात सुनिए ना। अरे सुनूंगा भाई, पहले मेरी बात सुनना तू। अरे लेकिन पहले मैंने कहा था। हाँ तो पहले मेरी बात सुनिए ना। अरे तू पहले मेरी बात सुन लेगा तो क्या छोटा हो जाएगा? मैं आपसे छोटा ही हूँ, और कितना छोटा हूँ? नहीं माने। सुन। अरे अरे बिरे छोड़ भाई, अब तक तो लखम सिंह को पेमेंट पहुंच भी गया होता। लखम सिंह? कौन लखम सिंह? केशव काका का बेटा है, मेरा दोस्त है। तो हमें उन्हें किस चीज का पेमेंट देना है? मेरा दोस्त होने का। बस क्या सेठ जी, मैं आपका दोस्त नहीं हूँ। मतलब उसे किस बात का और कितना पेमेंट देना है? अरे उसको नया घर लेना है तो अर्जेंट 5 लाख की जरूरत है। तो एक काम कर, तू मुझे चेकबुक दे, मैं साइन कर देता हूँ, तू अभी कभी बैंक में जा और उसको 5 लाख का RTGS कर दे। 5 लाख? हाँ लेकिन सेठ जी हमारे अकाउंट में 5 लाख रुपए नहीं है, सिर्फ 70,000 है। अरे हमारे खाते में 8,20,000 थे ना? बराबर है थे, लेकिन अभी सिर्फ 70,000 है। तो 7.5 लाख कहाँ गए? अरे आप मुझे ऐसे पूछ रहे हो जैसे 7.5 लाख रुपए मैंने ले लिए हो। आप भूल गए वो स्मार्ट टीवी के डीलर मिस्टर काबरा को आपने 7.5 लाख रुपए का चेक साइन करके दिया था, वो चेक पास हो गया। तो अभी हमारे अकाउंट में सिर्फ 70,000 रुपए है। अरे तो सामने वो नवरंग वाले श्याम भाई का 6 लाख का चेक तो आया है ना? आ गया है सेठ जी, लेकिन वो इस महीने की 30 तारीख का है। अरे तो कब बताएगा तू मुझे बाघा? मैं तो इसी भरोसा था कि तू चेक लेके आया, तूने बैंक में भर दिया होगा और वो चेक पास भी हो गया होगा। अरे लेकिन 30 तारीख का चेक मैं 30 तारीख के पहले कैसे डाल सकता हूँ? अभी एक काम करते हैं सेठ जी, हम जो 30 तारीख का चेक है वो 30 तारीख को सुबह फर्स्ट क्लियरिंग में जमा करवा देते हैं, तो 1 तारीख शाम तक तो वो चेक क्लियर हो ही जाएगा। आप लखम सिंह भाई को फोन करके बता दीजिए, उन्हें 2 तारीख को या ज्यादा से ज्यादा 3 तारीख तक पैसे मिल जाएंगे। अरे भाई उसको आज के आज 6:30 बजे के पहले पहले उसको अर्जेंट में पैसे चाहिए। अरे लेकिन सेठ जी हमारे अकाउंट में पैसे है ही नहीं, तो हम उन्हें देंगे कैसे? आप लखम सिंह भाई से कहिए कि आज के आज पॉसिबल नहीं है, अगर उन्हें पैसे चाहिए तो 2-3 तारीख तक मिल जाएंगे। नहीं भाई मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ। क्यों? वो मेरा दोस्त है, उसको मैं वचन दे चुका हूँ, पर मेरे बुरे वक्त में उसके बापूजी ने मेरी मदद की थी,
तो अभी जब उसको जरूरत है तो मेरा फर्ज बनता है ना कि मैं उसकी मदद करूं। इसलिए कुछ भी करके आज शाम तक 5 लाख का बंदोबस्त तो करना ही है। इसीलिए नट्टू काका हमेशा कहते हैं, कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए फिर बोलना चाहिए। तो वो सब छोड़ ये सोच कि आज के आज 5 लाख का बंदोबस्त कहां से करे। एक काम कर, तू मुझे ये बता किस किस का पेमेंट बाकी है, उसमें से सबको फोन करके पूछते हैं, अगर कोई हमें आज का पेमेंट दे दे तो हमारा काम हो जाएगा। सीट जी, सबसे पहले वो श्याम भाई को फोन करके पूछिए ना, अगर वो आज के आज आरटीजीएस कर देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। हाँ, ये बात भी सही है। जेठा भाई का फोन। बोलिए बोलिए जेठा भाई। श्याम भाई, एक रिक्वेस्ट करने के लिए फोन किया है। हाँ हाँ बोलिए ना। वो क्या है कि आज मुझे अर्जेंट किसी को पेमेंट देना है, तो आपने जो मुझे 30 तारीख का चेक दिया है ना, हाँ हाँ, वो मैं आपको वापस दे दूंगा अगर आप मुझे आज के आज आपका पेमेंट जरा आरटीजीएस कर दो तो। सॉरी जेठा भाई, अभी मेरे पास पैसे होते तो आपको 30 तारीख का चेक देता ही क्यों? कुछ नहीं हो सकता। एक्चुअली जेठा भाई, मेरा एक पेमेंट है ना 29 तारीख को आने वाला है, इसलिए मैंने आपको 30 तारीख का चेक दिया। ओ अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ओके जेठा भाई। श्याम भाई तो ना बोल रहे हैं। अच्छा, तो भीमा भाई को फोन कीजिए। जेठालाल। हाँ बोलो जेठालाल। भीमा भाई की जगह भिड़े का फोन लग गया। हेलो हेलो जेठालाल। सॉरी सॉरी भिड़े, सॉरी। सॉरी क्यों, क्या किया तुमने? अरे भाई, किसी और को फोन लगाना था, गलती से तुझे लग गया। ओ, इतना क्यों सोचते हो मेरे बारे में जेठालाल? सॉरी भिड़े, मैं अभी तेरे जोक पे नहीं हंस पाऊंगा, मैं थोड़ा टेंशन में हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुझे बता के मतलब नहीं है, क्योंकि तू मेरी मदद नहीं कर पाएगा दोस्त। अरे एक बार बता के तो देखो, शायद मैं कर पाऊँ मदद। 5 लाख की जरूरत है, देगा? 5 लाख? नहीं नहीं, इतने तो नहीं मेरे पास। मेरे पास अभी अर्जेंट में 22,000 रुपए है, वो मैं दे सकता हूँ, लेकिन 5 दिन बाद तुमको वो पैसे लौटाने पड़ेंगे। क्या है ना, मुझे मसाला वाले को पेमेंट करना है 6ठे दिन। नहीं नहीं, थैंक यू भिड़े, वो 22,000 से मेरा काम नहीं होगा। चल थैंक यू। सेठ जी, भीमा भाई का नंबर है 982। है भाई, मेरे पास भी है, वो तो जल्दी जल्दी मैं भिड़े को लग गया, अब तो मैं देख के ही लगाऊंगा ना। सॉरी सॉरी सेठ जी, सॉरी। हाँ भीमा भाई। हाँ, वो नहीं, वो आपका पेमेंट बाकी है, तो मैं सोच रहा था अगर थोड़ा अर्जेंट अगर मिल जाता तो, थोड़े जरूरत थी। नहीं नहीं, कल परसों नहीं, आज चाहिए था। अच्छा, ओके ओके, नहीं नहीं ठीक है ठीक ठीक है, नहीं कोई बात। ये और कौन है, किसका है? हाँ, ये मनोज भाई। अच्छा, सब 2-3 दिन के बाद देने के लिए तैयार है, लेकिन अर्जेंट आज के आज देने के लिए किसी के पास भी पैसे नहीं है। दीपक भाई, सेठ जी आप दीपक भाई को फोन कीजिए ना, वो आपको निराश नहीं करेंगे। अरे हाँ, जरूरत पड़ने पर जब भी उनको फोन किया, उन्होंने कभी निराश नहीं किया, पहले क्यों नहीं बताया? वागी जैसे सीधा खड़ा रहे, सीधा खड़ा रहे, क्या कर रहा है? अरे जेठा भाई, बोलिए बोलिए, कितने दिनों बाद याद किया। अरे दीपक भाई, आपके कुएं में से 1 बाल्टी पानी चाहिए था। अच्छा पानी, अरे कौन बोल रहा है भाई,
अरे जेठालाल ही बोल रहा हूँ दीपक भाई। तो फिर ये पानी बाल्टी कुआ ये सब क्या बोल रहे हो? अरे जब प्यासे को प्यास लगेगी तो कुएं के पास ही जाना पड़ेगा ना। अरे जेठा भाई अब क्या बोल रहे हो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी, वो क्या है कि मुझे जरा अर्जेंट पैसों की जरूरत आन पड़ी है, तो आपका जो पेमेंट बाकी है वो अगर आज मिल जाता तो मेरा काम हो जाता। कितना पेमेंट बाकी है आपका? पेमेंट एक मिनट, 6,30,000। 6,30,000 है? लेकिन आप मुझे 5,00,000 भी दे देंगे ना तो मेरा काम हो जाएगा। 5,00,000 ना? ठीक है ठीक है, पैसे आपको मिल जाएंगे, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त यह है कि आपको स्पेशली मेरे ऑफिस में आकर एक दिन मेरे साथ लंच करना होगा। अरे लंच क्या दीपक भाई, सुबह का नाश्ता और रात का डिनर भी आपके साथ ही करूंगा बस। अच्छा तो कहीं पिकनिक वाले जगह पे जाते हैं ना वीकेंड पर? हाँ चलो चलो चलते हैं, बनाओ प्रोग्राम बनाओ। ठीक है प्लान करते एक दिन। जेठा भाई आप बाघा को अभी भेज दीजिए, मैं पेमेंट करवा देता हूँ। मैं अभी भेजता हूँ बाघा को। थैंक यू दीपक भाई, थैंक यू। ओके ठीक है, थैंक यू। बाघा तू अभी कभी दीपक भाई के ऑफिस जा, वो तुझे चेक देंगे। चेक? हाँ, और वहीं से सीधा तू हमारी बैंक में जाना और वो चेक जमा कर देना। उनके और हमारी बैंक एक ही है, तो आज के आज वो पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। हाँ? जी सेठ जी, मैं जाके चेक ले लूंगा, लेकिन आप प्लीज अभी तो मेरी बात सुनिए। कौन सी बात? नहीं वो आप आए तब मैंने आपसे कहा ना मुझे आपसे एक बात करनी है, तो आपने कहा नहीं पहले मेरी बात सुन, तो तब से आपकी ये बात चल रही है, तो प्लीज अभी तो मेरी बात सुनिए। हाँ सुन लूंगा भाई, तो जाके पहले पेमेंट तो लेके आ। नहीं पेमेंट तो मैं लेकर आता हूँ सेठ जी, लेकिन प्लीज अभी आप मेरी बात सुन लीजिए ना, सिर्फ 1 मिनट लगेगी। अरे भाई तेरी 1 मिनट के चक्कर में पता ना पिछली बार क्या हुआ था? कब क्या? अरे केशवानी जी के ऑफिस में पेमेंट लेने तो 1 मिनट लेट पहुंचा था और केशवानी जी निकल गए थे। हाँ लेकिन दूसरे दिन में गया तो था। अच्छा तो पेमेंट मिला था? नहीं। क्यों? वो केशवानी जी 1 महीने के लिए बारगांव चले गए। तो तेरे 1 मिनट लेट पहुंचने के चक्कर में अभी पेमेंट हमको 1 महीना लेट मिलेगा, इसलिए तू अभी जा भाई, पहले पेमेंट लेके आ, बाद में तू जितनी कहेगा उतनी तेरी बातें सुनूंगा। जा। ठीक है सेठ जी। अरे भाई तेरी बात सुनी नहीं है तो ऐसा दुखी होकर गम में कहीं और मत चले जाना। दीपक भाई के ऑफिस कहाँ है पता है ना? हाँ पता है सेठ जी। हाँ तो जा 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 जल्दी। जी दोस्तों, किसी भी व्यापार में लेन और देन एक गाड़ी के दो प्रमुख पहिए, अगर इनमें से एक भी पहिया निकल जाए या अटक जाए तो गाड़ी रुक जाती है। अब जेठालाल भी इस वक्त इसी मुसीबत के शिकार है, अब आगे क्या होगा? लेकिन आप मेरे परम मित्र को जानते हैं, विलक्षण व्यक्ति हैं वो, आ बैल मुझे मार, ये उनके जीवन का मूल मंत्र है। तो अब इस मुसीबत को वो किस तरह से बड़ा बनाते हैं, विशाल बनाते हैं, और कितने मुसीबत के और बैलों को निमंत्रण करते हैं उन पे हमला करने के लिए, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.